अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलिम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। आज से चंद साल पहले कीवर्ड डेंसिटी की बेसिकली एक परसेंटेज होती थी 2.5%। तो सब लोग वो परसेंटेज यूज़ करते थे, मतलब 2.5% अपने मेन कीवर्ड को रखते थे। लेकिन अब गूगल का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया, अब आपको अपने कंपेटिटर्स की तरफ देखना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कीवर्ड है बेस्ट मदरबोर्ड फॉर राइजन 5 5600X। तो फर्स्ट थ्री कंपेटिटर्स को ओपन करेंगे। तो उसके बाद हम अपने कीवर्ड को सर्च करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड किए हुए हैं। तो ये अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं और इस वजह से इन पे इतने ज़्यादा एसईओ के रूल्स अप्लाई नहीं होते, ये अपनी अथॉरिटी की वजह से रैंक करती हैं। उसके बाद ये दूसरी वेबसाइट है, तो ये भी बेसिकली दूसरे कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, मेन कीवर्ड सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये दो दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हम एटलीस्ट 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल में। तो उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।